बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नीलकंठपुर में आज एक युवती के विवाह संबंधित पंचायती में फैसला करके वापस लौटते समय रास्ते में जीजेएमपी ग्रुप के पूर्व नक्सली और उसके साथियों ने ग्रामीणों पर कट्टे से फायरिंग की है और उनके साथ मारपीट भी की है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बहादुरी का परिचय देते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी बेदम पिटाई की है। वहीं मामले में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कट्टा भी जब्त किया है। हम लोग आ रहे थे रामचंद्रपुर, तो उन लोगों जस्ट में जंगल में घुसा के उन लोगों लान के ने आगे रोड में खड़ा होकर हमला किए। वो पहले हम पर गोली उठा के चलाया, वो कट्टी, तो कट्टी जब चलाया तो हम झुक गए, बैठ गए, और बैठ गए तो उसके बाद गोली उसके ऊपर में पार हो गया, तो मैं घुस के उसको पकड़ लिया। तो एगो हाथ पकड़े और एक हाथ वही कट्टिये से मेरा मस्तक पर मार दिया। और फिर कन्हाई यादव था तो लान के दो तीन चार लाठी मार दिया ऊपरे। थाना रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर के अंतर्गत जो है एक नीलकंठपुर ग्राम है, विजयनगर की लड़की गई हुई थी तो उसको लेने के लिए जो है उनके परिजन गए हुए थे विजयनगर से नीलकंठपुर। नीलकंठपुर में पंचायत वगैरह जो भी बैठक हुआ, बैठक के दौरान भी कुछ लोगों ने जो है आपत्ति किया। इसके बाद जो है जो लड़की के परिजन थाने के लिए आ रहे थे नीलकंठपुर से, जैसे निकल के आगे आ रहे थे उस दौरान कुछ लोगों ने उनको रोका और जिसमें जो है कन्हैया यादव और छोटू कोरवा, संजय सिंह और गुलाब यादव, चार लोगों का नाम आया है, तो इन्होंने रोका। और उसके बाद इनके साथ जो है ईश्वर यादव नाम के व्यक्ति हैं जो विजयपुर के हैं, विजयनगर के हैं, उनके साथ मारपीट की, लाठी डंडे से भी मारपीट की, फिर साथ में जो है कट्टा रखा हुआ था, कट्टे से जो है उनके सिर पे जो है उसके बट से जो है चोट आई है, तो ये मुलाजा कराने भेजा गया है।